यूपी के सत्ताधारी यादव परिवार में फिलहाल 16 कैबिनेट मंत्री और राज्य के पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे शिवपाल यादव। फिर मिलेंगे छीने गए सभी मंत्रालय। मुलायम ने निकाला 16 का फॉर्मूला। टिकट बंटवारे में होगा अखिलेश यादव का दखल। गायत्री प्रजापति की कैबिनेट में होगी वापसी। बदला जाएगा विभाग। लखनऊ में शिवपाल और अखिलेश यादव से मुलायम की अलग अलग मुलाकात। बातचीत के बाद निकाला हल। मुख्यमंत्री का फैसला पलटने के बाद बोले मुलायम, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे अखिलेश, पार्टी टूटने नहीं दूंगा। आज सुबह 10 बजे लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। पूरे मुद्दे पर होगी चर्चा, हो सकता है कोई अंतिम फैसला। अमर सिंह घरेलू कलह की गाज। सूत्रों के मुताबिक अमर सिंह पर कार्रवाई संभव। मुलायम सिंह से मिलने के बाद बोले शिवपाल यादव, नेताजी का हर आदेश सिरमाथे। लखनऊ में शिवपाल समर्थकों ने रामगोपाल यादव के खिलाफ की नारेबाजी। पार्टी से बर्खास्त करने की बात। सड़कों पर आया समाजवादी पार्टी का घरेलू झगड़ा। इटावा में शिवपाल समर्थकों ने जबरन बंद कराई दुकानें। जसवंत नगर में NH2 पर लगाया जाम। समाजवादी कुनमे में कलह पर बोले कैबिनेट मंत्री आजम खान, ये बड़े लोगों की लड़ाई, हम उनके सामने बहुत छोटे। शीला दीक्षित की 27 साल यूपी बिहार यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में बेहाल दिखी कांग्रेस। माला पहनाने की होड़ में कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई। यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद मंच से समझाते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हाथापाई बंद नहीं की। आखिरकार मसूद को सच्चाई याद दिलानी पड़ी। मुजफ्फरनगर में बोली शीला दीक्षित, हर पार्टी दे रही है विकास का नारा, लेकिन कर कुछ नहीं रही है। हम वही कहते हैं जो करते हैं। यूपी के बाद अभी राहुल गांधी ने रोड शो शुरू करने से पहले मौलाना हजरत रब्बानी से की मुलाकात। 5 मिनट की मुलाकात में 1 मिनट तक सिर झुका कर लिया आशीर्वाद। बांदा में राहुल के रोड शो के दौरान जमकर जुटी भीड़। राहुल से हाथ मिलाने और शिकायती पत्र देने की मची होड़। चित्रकूट में राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया वार। बोले धर्म की दलाली करने वाली बीजेपी और संघ को यहां नजर नहीं आती मरती गाय। किसानों के पलायन का मुद्दा भी बुलंद किया। पिथौरागढ़ में सीएम हरीश रावत की ये दौरे का विरोध कर रहे बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर भेजा। बूंदी में गायों की सुरक्षा को लेकर हो रही नगर परिषद की बैठक, हंगामे की भीड़ चढ़ी। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुई धक्का मुक्की। आजमगढ़ में लाइन में आई खराबी से 12 घंटे तक गायब रही बिजली। डीएम ने रोकी 3 इंजीनियर समेत 4 लोगों की तनख्वाह। डेंगू चिकनगुनिया के टंग पर पहले से ही किरकिरी झेल रही दिल्ली सरकार की बड़ी फजीहत। एलजी जंग ने फिनलैंड गए डिप्टी सीएम सिसोदिया का रद्द किया दौरा। एलजी ने सिसोदिया को फिनलैंड तुरंत वापस लौटने का दिया हुक्म। सूत्रों के हवाले से खबर, रविवार को दिल्ली लौटेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कांग्रेस ने डेंगू चिकनगुनिया को बनाया मुद्दा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, मनाया घोड़ा दिवस। केंद्र की एक कमेटी ने केजरीवाल सरकार को विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्चे का पाया दोषी। दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी से 18 करोड़ 64 लाख रुपए वसूलने का निर्देश। सेलिब्रिटीज के निशाने पर भी आई केजरीवाल सरकार। सिंगर शंकर साहनी ने केजरीवाल सरकार को हिटलरगिरी बंद कर जनता के लिए काम करने के लिए नसीहत। अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका। मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 43 विधायक बीजेपी समर्थित पीपीए में शामिल। पूरे 46 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री ने छोड़ी कांग्रेस। कहा, हमने कांग्रेस का पीपीए में किया विलय। विधानसभा अध्यक्ष को दी सूचना। अरुणाचल संकट पर बोले कांग्रेस नेता रणजीत सुरजेवाला, इसके पीछे पीएम मोदी और अमित शाह का हाथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, अरुणाचल में सियासी हलचल के लिए जिम्मेदार नहीं बीजेपी। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने नेपाली पीएम प्रचंड के साथ की कई मुद्दों पर बातचीत। 4 दिन के दौरे पर हैं प्रचंड। मध्य प्रदेश के धार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिखाए गए काले झंडे। नीतीश को विकास विरोधी बताते हुए जमकर हुई नारेबाजी। नर्मदा बचाओ आंदोलन में शिरकत करने मेधा पाटकर के साथ धार के खलघाट पहुंचे थे नीतीश। प्रदर्शनकारियों ने मेधा के खिलाफ भी की नारेबाजी।
अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ रखी रिंग रोड की आधारशिला। कहा गडकरी ने दिया है भरोसा, 2 साल में पूरा हो जाएगा काम। गडकरी की तारीफ करते हुए बोले राजनाथ, जीडीपी ग्रोथ 2 अंकों में पहुंचाने का पीएम मोदी का सपना गडकरी के दम पर ही पूरा होगा। राजनाथ ने लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन हाईवे की मंजूरी का दिया हवाला, 5,200 करोड़ की आएगी लागत। राजनाथ सिंह ने कहा मेट्रो प्रोजेक्ट में यूपी सरकार को केंद्र की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का मिल रहा है पूरा सहयोग, नियत समय पर पूरा हो जाएगा काम। पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी का जन्मदिन आज, 66 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी जन्मदिन मनाने गांधीनगर पहुंचे। जन्मदिन पर आज मां से आशीर्वाद लेंगे पीएम मोदी, बाद में दिव्यांगों के बीच बिताएंगे वक्त। अहमदाबाद में जुटी जनता का पीएम मोदी को जताया आभार, हाल के दिनों में पीएम मोदी का ये तीसरा गुजरात दौरा, अगले साल गुजरात में होने हैं विधानसभा चुनाव। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ पीड़ित चंद्रकेश्वर प्रसाद की ओर से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, 19 सितंबर को होगी सुनवाई। बिहार सरकार ने भी शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला, प्रशासन पर लगे थे पैरवी में ढिलाई के आरोप। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सरकार के फैसले पर बोले लालू यादव, जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो क्या कर सकते हैं। शहाबुद्दीन ने आज सख्त से कहा मुझे जेल जाने में परेशानी नहीं, ये भी कहा डॉन बोलने वाले डॉन का मतलब बताएं। शहाबुद्दीन के साथ दिखने वाले शार्प शूटर मोहम्मद कैफ के घर सीवान पहुंची बिहार पुलिस, संपत्ति कुर्क। शहाबुद्दीन के बाद अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ सामने आए राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी कैफ की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नंदकिशोर यादव के साथ इकबाल शेख की तस्वीर भी वायरल हुई, बिहार में आकाश सिंह की हत्याकांड का आरोपी है इकबाल। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी है हत्या का आरोपी इकबाल शेख, सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने पर जेडीयू ने मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे, काफिले की पायलट कार दुर्घटना का शिकार, 1 जवान की मौत। कांकेर से बस्तर जाते वक्त हुआ मंत्री गोपाल राय के काफिले की पायलट कार का हादसा, हादसे में 6 जवान घायल भी हुए। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़कों पर दरिया जैसा मंजर, घुटनों से ऊपर पानी में चलने नजर आए वाहन। बंजारा हिल्स रोड के बोधी घाट इलाके में मूसलाधार बारिश से गिरी दीवार, 2 कार और 10 बाइक को पहुंची क्षति। शाहिद कपूर के घर पर स्विमिंग पूल में मिला डेंगू के मच्छर का लार्वा, बीएमसी करेगी शाहिद के खिलाफ शिकायत, जांच के लिए पहले कर्मचारियों को आने से रोका था। गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े की खत्म हुई पुलिस हिरासत, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। धौलपुर में 2 सगी बहनों ने सौतेले पिता पर रेप का लगाया आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पन्ना में एक महिला ने 3 घंटे में 3 बच्चों को दिया जन्म, मां के साथ 3 बच्चे हैं स्वस्थ। कानपुर में सेल्स टैक्स के अधिकारियों की लापरवाही से हादसा, अनाड़ी ड्राइवर को ट्रक चलाने पर किया मजबूर, चालक ने बाइक सवार को कुचला। सेल्स टैक्स अधिकारियों की चेकिंग के दौरान ट्रक छोड़कर भाग गया था ड्राइवर, अधिकारियों ने विभाग के कार चालक से चलवाई ट्रक। दिल्ली के मॉडल टाउन में स्कूली छात्रा ने जहर पी कर दी जान, आर्थिक तंगी और प्रेम संबंधों को बताया वजह। दिल्ली में शराब के लिए पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, कक्कड़डूमा इलाके में पुलिस ने दिलीप को दबोचा। यूपी के हाथरस में सरकारी एम्बुलेंस के लिए तकलीफी के चलते गर्भवती ने ट्रेन में दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, 1 बच्चे की मौत। गाजियाबाद के मसूरी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार मारुति कार, कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत। वेस्ट दिल्ली के मायापुरी इलाके में पड़ोसी ने की नाबालिग लड़की से बदसलूकी, साजिशन घर में बुलाकर कमरे में किया बंद। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में हाईवे पर खड़े टैंकर से डीजल चोरी, सीसीटीवी में दर्ज हुई पूरी वारदात। राजस्थान के बाड़मेर में एक लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा मनचला, युवती के परिजनों ने जमकर पीटा। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली विदेशी छात्रा से रेप, ड्रग्स देकर नाइजीरियाई छात्र ने किया रेप।
नोएडा के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से गैंगरेप, मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज पर लगा आरोप। गाजियाबाद में पहलवान राकेश पर लगा छेड़खानी का आरोप, पहलवान फरार। हरदोई में बुजुर्ग की हत्या में खुलासा, सरफिरे आशिक ने साथी के सहित की थी हत्या। हाथरस में 100 रुपए के लिए एक नाबालिग ने दूसरे का गला काटा, पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। यूपी के बिजनौर में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति, छेड़खानी मामले में 4 हत्याओं के बाद सामने आई एक डॉक्टर के लैब पर पथराव की तस्वीरें। बिजनौर में हंगामे के दौरान 4 हत्याओं की वारदात केस में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। यूपी के सहारनपुर में नमाज अदा करने पर शख्स का रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर टूटा रफ्तार का कहर, 2 गाड़ियां डंपर से टकराई, 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में ससुराल वालों ने एक महिला पर डाला तेजाब, बेटी को जमीन में हिस्सा देना चाहती थी पीड़ित, हालत गंभीर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3.5 साल का बच्चा अगवा, सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती महिला की तस्वीरें कैद, गुरुवार को हुई वारदात। दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके के एक स्कूल में वॉशरूम में 12वीं छात्रा ने जहर पीकर की खुदकुशी, बैग में मिले सुसाइड नोट में प्रेम संबंध और आर्थिक तंगी का जिक्र। अलवर के रघुनाथगढ़ में 36 गायों की मौत के मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार, तोड़फोड़ से तनावपूर्ण हालात। राजस्थान के पाली में गोबर के दलदल में फंसी गाय को ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बाहर, गौशाला के कर्मचारी करीब में फेंक देते हैं गोबर। सीकर में वेटनरी डॉक्टर ने की खुदकुशी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में एक शिक्षक पर लगा 15 छात्राओं और 2 छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप, अभिभावकों ने केस दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। शिमला में बरामद हुआ लापता युवक का शव, 11 सितंबर को लक्कड़ बाजार इलाके में हुआ था लापता। शिमला के टूंटीकंडी इलाके में 16 साल की छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कुछ दिनों में नहीं जा रही थी स्कूल, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बूथ कैप्चरिंग मामले में लातेहार में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र साहू को 1 साल की सजा, 4 हफ्ते में करना होगा समर्पण। गया में नक्सल प्रभावित लुटुआ के जंगल में आम जनता के जाने पर पुलिस ने लगाई पाबंदी, नोटिस में लिखा अनदेखी पर अनहोनी के लिए खुद जिम्मेदार होंगे ग्रामीण। सुजीत सरकार की फिल्म पिंक को पहले दिन मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, अमिताभ बच्चन की अदाकारी की हो रही है तारीफ। सुजीत सरकार ने फिल्म पिंक में उठाया महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, कामकाजी महिलाओं पर सवाल उठाने वालों को किया बेनकाब। अमिताभ बच्चन ने विदेशों में भारत की छवि पर जताया दुख, कहा हमारे देश को लैंड ऑफ रेप कहते हैं विदेशी। स्मिता पाटिल अवार्ड मिलने पर कटरीना का सोशल साइट पर मजाक, लिखा अगर कटरीना को स्मिता पाटिल अवार्ड तो साजिद खान को दे दो ऑस्कर। पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई की एम्बेसडर चुनी गई सौंदर्या रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं सौंदर्या। पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक लौटी वतन, दिल्ली एयरपोर्ट में हुआ जबरदस्त स्वागत। मिल्खा सिंह ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसी सुविधाओं का उठाया मुद्दा, कहा बराबर हो सम्मान, इसके लिए जरूरी था। कानपुर में 500वां टेस्ट के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन, बीसीसीआई ने भेजा न्योता। मैच फिक्सिंग की वजह से अजहर पर लगा था बैन, तभी से आधिकारिक समारोह में अजहर को बुलाने से बचती थी बीसीसीआई। डेविस कप प्लेऑफ में 0-2 से पिछड़ा भारत स्पेन के फेलिसियानो से 4 सेटों में राजकुमार रामनाथन ने जीता। वर्ल्ड नंबर 13 डेविड फेडरर ने स्पेन को दिलाई दूसरी जीत, साकेत माइनिनी को सीधे सेटों में आसानी से हराया। दिल्ली के आरके खन्ना स्टेडियम में नडाल को देखने आए
फैंस हुए निराश, कलाई में चोट की वजह से नहीं खेले। तलवार नर्सिंग डोपिंग विवाद की जांच सीबीआई के हवाले, फेडरेशन अध्यक्ष ने पीएम मोदी से मिलकर की थी मांग।